अगर आप रीट 2021 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सबसे बढ़िया बुक लेकर आया हूं। और ये सबसे बढ़िया इसलिए है कि ये बहुत अच्छे ऑथर द्वारा लिखी गई है। ऑथर बहुत फेमस हैं, सभी जानते हैं, पीडी पाठक जी। इस बुक की खासियत यह है कि ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है स्ट्रिक्टली। मार्केट में ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो पुराने पैटर्न पर आधारित है। ये बुक मार्केट में और अमेज़ॉन पर छाई हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं रीट में तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस बुक को ख़रीदें। और ये बुक लिमिटेड स्टॉक में उपलब्ध है, बहुत जल्द ख़त्म हो सकता है। बुक में हर टॉपिक को शामिल किया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। 16 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से महापड़ाव और अनशन जारी था। उस दौरान लगातार वार्ता के दौर भी जारी थे। 6 से 7 बार वार्ता के दौर जारी रहे। मंत्री सुभाष गर्ग, मंत्री राजेंद्र यादव और अन्य अधिकारियों से लगातार वार्ता हुई। मुख्यमंत्री जी ने धरना स्थल पर मंत्रियों को भेजा और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 3 मंत्री हैं जो तमाम लंबित भर्तियों को लेकर उस कमेटी में भर्तियों का निस्तारण होगा, जिसकी पहली मीटिंग 10 दिन के अंदर होगी, जिसके आदेश आज हो जाएंगे। इसके अलावा नई भर्तियों को लेकर आश्वासन दिया कि बजट में भी कई नई भर्तियां निकाली जाएंगी और नई भर्तियां 1 महीने के अंदर काफी प्रदेश में निकाली जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कई मांगों को लेकर जिसमें 27 बिंदु थे 16 सूत्र मांगों में, उनमें सहमति पत्र भी दिया है जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव, मंत्री सुभाष गर्ग के साइन है और हमारे जो सदस्य है उनके, वो सहमति पत्र भी हमें लिखित में दिया है। उसके बाद रात को 12:30 बजे दोनों मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे और महापड़ाव और अनशन को समाप्त करवाया। उधर हमने ऐलान किया है कि यदि पहली मीटिंग में और 10 दिन के अंदर बेरोजगारों को तमाम बिंदुओं को लेकर राहत नहीं मिलती है और अधिकारियों मंत्रियों के द्वारा एक बार फिर आश्वासन के नाम पर धोखा होता है तो जो चारों जगह उपचुनाव है उसमें हमने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, अभी उस निर्णय को वापस नहीं लिया है। यदि धोखा होता है तो हम घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे, प्रत्याशी बता देंगे और कांग्रेस से आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। फिलहाल वर्तमान में अभी धरने को स्थगित किया है, अनशन को स्थगित किया है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाए। हमें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी बेरोजगार को राहत प्रदान करेंगे और जो मंत्रियों को भेजकर जो कमेटी का गठन किया है और सहमति पत्र हमें दिया है उस पर सरकार खरा उतरेगी और बेरोजगार के तमाम लंबित भर्तियों को पूरा करते हुए नई भर्तियां निकालेंगे और 16 सूत्रीय मांगों पर जो सहमति पत्र दिया है उसमें सरकार खरा उतरेगी, हमें विश्वास है। अन्यथा हम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का विरोध करेंगे। उपेन यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत।